मेरा नाम है पूनम बगाई, मैं कैन किड्स किड्स कैन नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया की फाउंडर चेयरमैन हूँ। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और ये हैं मेरा नाम है सोनल शर्मा, मैं कैन किड्स की फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने और पूनम ने ये ऑर्गेनाइजेशन 2004 में इकट्ठे शुरू की थी। हाँ जी, तो सितंबर जो है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये महीना मनाते हैं जिसमें हम कैंसर और चाइल्डहुड कैंसर की जागरूकता के लिए काम करते हैं। हर साल हम एक गो गोल्ड इंडिया कैंपेन करते हैं। गो गोल्ड क्योंकि हमारे बच्चे प्रेशस हैं, बहुमूल्य हैं। गोल्ड क्योंकि वो चाइल्डहुड कैंसर का चिन्ह है और जब हम ये गोल्ड रिबन पहनते हैं तो उसका ये मतलब है कि हम कहीं किसी एक बच्चे को जिसको कैंसर है उसको ऑनर कर रहे हैं, एक परिवार जिसको कैंसर है उसको ऑनर कर रहे हैं। इस साल हमारा बहुत महत्वपूर्ण साल है क्योंकि इस साल हम गो गोल्ड इंडिया में गो गोल्ड पंजाब कर रहे हैं। कैंसर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। कैंसर एंड चाइल्डहुड कैंसर नीड्स टू बी अ चाइल्ड हेल्थ प्रायोरिटी इन इंडिया। हम हक के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, जो यहाँ पे सब ग्रीन टी शर्ट्स में हैं, वो सब चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं। और वो क्या हक मांग रहे हैं? वो ये मांग रहे हैं कि उनको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले, पूरी तरह से सहयोग मिले और उसी तरह से चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल होगा। चाइल्डहुड कैंसर जो है विदेश में 70-99% क्योरेबल है, पर हमारे देश में 50-70% लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बच्चे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक स्टिग्मा है समाज में कि कैंसर है तो इसका मतलब है मौत है, जो सही नहीं है। तो अब हमने ये सोचा कि जब हमने स्टेट में काम करना है तो हम यहाँ पे एक रैली लेके आए, जागरूकता फैलाएं ऑल ओवर पंजाब में। तो अप्रैल के महीने से हमने शुरुआत की थी कि हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ रिश्ता जोड़ें, हम चीफ सेक्रेटरी को मिले, हमने उनको गोल्ड रिबन लगाया। 14 सितंबर को पटियाला में खास वर्कशॉप हुई, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी स्टेक होल्डर्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने, श्री ब्रह्म महिंद्रा के सामने हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ MOU साइन किया जिसमें हम चाइल्डहुड कैंसर को प्रायोरिटी और मुख्यता देने के लिए उनके साथ काम करेंगे। और आज हमारी रैली यहाँ पर है गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब ने सितंबर 14 को सर्वाइवर्स और पेरेंट्स को मिले थे और उन्होंने हमारा गो गोल्ड पंजाब लॉन्च किया और उन्होंने यही भी इच्छा प्रकट की कि जब हम दिल्ली से पंजाब आएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, तो वो खुद हमारी रैली फ्लैग ऑफ करना चाहते हैं। वो चंडीगढ़ में चाहते हैं कि कुछ खास प्रोजेक्ट्स हों, जैसे होम अवे फ्रॉम होम, ताकि जो परिवार बाहर से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर उनके रहने की सुविधा हो। तो आज हम लोग सब हमारे रैली के पार्टिसिपेंट्स हैं जो रैली कर रहे हैं। हमारी 20 गाड़ियां आई हैं दिल्ली से आई हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम जाएंगे संगरूर, मनसा, भटिंडा, फरीदकोट, अमृतसर के बाद घुमन, लुधियाना के बाद रोपड़, और इस तरह से हम करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राइव करेंगे। हम टाइम स्पीड डिस्टेंस रैली करेंगे जो कि चंडीगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ की है। और रैली के दौरान हम अवेयरनेस करेंगे, तो हमारे अवेयरनेस कैंप्स हैं अलग अलग कैंसर सेंटर्स में, जैसे कि संगरूर में होमी बाबा कैंसर सेंटर में, एडवांस कैंसर सेंटर भटिंडा में, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे कि मानसा में अवेयरनेस करेंगे, हम स्कूल्स में जैसे कि रेल माजरा में अवेयरनेस करेंगे, हम अमृतसर में वाघा बॉर्डर जाएंगे और वहाँ पे भी गोल्ड रिबन्स लगाएंगे और हमारे सर्वाइवर्स जो हैं वो नुक्कड़ नाटक करेंगे, हम गोल्डन गेट पे जाएंगे। तो गो गोल्ड जो है, हम चाहते हैं कि गोल्ड जो कैंसर का जो खास चिन्ह है, तो पिछले साल हमने ताज गो गोल्ड किया था और इस साल हमारा जो ये रैली है हम बोलते हैं आगरा टू अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है और वो तो ऑलरेडी गोल्ड है, तो नानक साहब ऑलरेडी हमारे साहब साथ हैं और हम उनके पास ब्लेसिंग लेने जाएंगे, अरदास करेंगे और अपने बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रेयर करेंगे कि हमारे देश से और हमारे स्टेट से जितने जल्दी हो सके बच्चों का कैंसर दूर हो जाए।